महावन के चिंताहरण महादेव के समीप गांव नगलापूठा में खनन माफियाओं दिन में खनन कर रहे थे, जिसकी जानकारी एसडीएम महावन दीक्षा जैन को आई। एसडीएम महावन ने संज्ञान लेते हुए राजस्व विभाग की टीम में लेखपाल चुन्नी लाल एवं लेखपाल नेहा चौधरी को मौके पर तहकीकात करने के लिए भेजा। इसकी सूचना थाना महावन को दी गई। राजस्व की टीम के साथ महावन थाने पहुंची पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने देखा कि आधा दर्जन से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉली मिट्टी का खनन कर रहे थे, जिसके लिए एक जेसीबी मशीन भी लगाई हुई थी। पुलिस एवं राजस्व विभाग की टीम को देखते ही ट्रैक्टर को लेकर खनन माफिया भाग निकले, लेकिन जेसीबी मशीन मिट्टी आदि खोदकर एक ट्रैक्टर ट्रॉली में भर रही थी। खनन स्थान पर पहुंचते ही जेसीबी मशीन एवं ट्रैक्टर के चालक भाग निकले। पुलिस एवं राजस्व विभाग ने जेसीबी मशीन एवं ट्रैक्टर ट्रॉली को मौके से बरामद कर लिया। थाना प्रभारी सुनील कुमार जोशी ने बताया कि एसडीएम महावन के निर्देश अनुसार खनन माफिया विभाग के अवगत करा दिया गया है। दोनों विभागों के खामियों की कार्रवाई की जा रही है। इस संदर्भ में तहसीलदार सुहास चंद्र यादव ने बताया कि अवैध खनन की जानकारी मिलने पर तत्काल राजस्व विभाग की टीम को पुलिस के साथ मौके पर भेज दिया गया था, जिसमें मौके से एक ट्रैक्टर और एक जेसीबी को बरामद कर पुलिस के सपुर्द कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। राजस्व विभाग और महावन पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? एक नूरपुर में भूठा में अवैध खनन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्राली और एक जेसीबी पकड़ी गई है, और जिसे थाना महावन में पुलिस की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। सर आगे क्या कार्रवाई होगी? अब आगे इसकी रिपोर्ट जो है एडीएम एफआईआर महोदय को भेजी जा रही है, और इसमें जो है उन पर दोषियों के पर जुर्माना और उन पर